यह सच में पाखी की हो चुकी है शो से एग्जिट, शो से हुई गायब, तो जनता में मची उथल पुथल। स्टार प्लस के नंबर वन शो अनुपमा में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर इस सीरियल में पाखी गायब दिख रहे हैं। उनका किडनैप हो गया है, जिस वजह से अब फैंस तक परेशान हैं। सीरियल में ये किरदार मुस्कान बामने निभा रहे हैं, जिसे काफी पसंद भी किया जाता है। लेकिन अब शो से उनके गायब होने के बाद माना जा रहा है कि मुस्कान बामने ने इस टीवी सीरियल को छोड़ दिया है। अभी मेकर्स किडनैपिंग का ट्विस्ट लेकर आए हैं, लेकिन क्या वाकई ये बात सच है? क्या वाकई गुपचुप तरीके से हो चुकी है मुस्कान बामने की शो से एग्जिट और अब कभी भी मुस्कान इस शो में नजर नहीं आएंगी? दरअसल टीवी सीरियल अनुपमा को लेकर ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सीरियल में एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ पाखी की मौत दिखाई जाने वाली है और इसी के साथ ही मुस्कान बामने का रोल सीरियल से खत्म हो जाएगा। मेकर्स ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक्ट्रेस ने अनुपमा को बीच में ही छोड़ दिया है। लेकिन अब इन तमाम खबरों पर मुस्कान बामने का रिएक्शन भी सामने आया है। मुस्कान बामने ने टेलीचक्कर को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो उन्हें भी नहीं पता कि अभी पाखी कहां गायब हो गई है। जब उन्हें पता चलेगा तब वो बताएंगी। शो छोड़ने पर मुस्कान बामने ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पर क्या ही बोलूं मैं। बता दें कि मुस्कान बामने की बिग बॉस 17 में एंट्री की खबरें भी खूब सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि मेकर्स ने एक्ट्रेस को अप्रोच किया है। हालांकि इस पर मुस्कान ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया है कि वो खुद को बिग बॉस के टाइप का नहीं मानती, वो सेट पर भी ज्यादातर नहीं बोलती हैं, तो बिग बॉस में कैसे बोलेंगी। मुस्कान ने बताया कि उनसे जुड़ी ये खबरें सारी गलत हैं। पर मुस्कान ने तो साफ साफ कहा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनका किरदार कहां गायब हो गया है। ऐसे में तो यही लग रहा है कि मेकर्स ने मुस्कान के किरदार को लेकर शायद कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट प्लान किया है, जो आने वाले दिनों में जनता को भी हैरान कर रख देगा। हालांकि अब देखना यह है कि आगे आगे मेकर्स ऐसा क्या कुछ शो में लेकर आते हैं, जिससे शो की टीआरपी भी काफी हाई होगी और जनता को काफी सरप्राइजिंग ट्विस्ट भी मिलेंगे।